अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कैसे हैं आप सब यूट्यूबर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आई हूँ आपके लिए एक घर का बना हुआ मक्खन, जो आप घर पे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आपको ये रेसिपी देखनी किस तरह से बनता है, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेट्स मूव। सो नाज़रीन, इस रेसिपी को बनाने के लिए, घर का जो मक्खन तैयार करने के लिए हम जो आपको दिखा रहे हैं वो है घर की बलाई। ये घर की बलाई ऐसी बनती है, जब हम दूध लेके आते हैं तो जब उसको आप गर्म करते हैं, उसके जो ऊपर जो जो भी जो है वो बलाई जो है ऊपर से इकट्ठी हो जाती है, आप उसको अलग करके सेव करके रख लें। तो ये हमने ये सेव करके रखी है, तो हमने इसको फ्रीजर से निकाला है। इसकी जो वो जो भी आइस है वो मेल्ट हो गई है, तो ये आपके सामने है। इसी जो है बलाई से हम जो है वो मक्खन बनाएंगे। तो नाज़रीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा मक्खन, बिल्कुल कोई इसमें मिलावट नहीं होगी। तो देखते हैं ये किस तरह से बनता है। आप जिस तरीके से हमने बताया, आपने भी उसी तरीके से इस मक्खन को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं हम इस मक्खन को। हमने एक ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर में हम जो है वो आधी आधी जो है क्रीम जो है वो ऐड कर करके जो है मक्खन को तैयार करेंगे। ठीक हो गया, इतना हम ऐड करेंगे कि इसका जो जब मक्खन बन जाए तो हम इसको अंदर से निकाल सकें। नाजरीन, हमारा जो मक्खन है वो इस तरह से तैयार होगा। हमने इसमें पानी भी ऐड करना है, ठीक हो गया, पानी भी ऐड करना ज़रूरी है ना। वो आप पानी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा मक्खन बन जाएगा। ठीक हो गया, चलिए इसको ब्लेंड करते हैं। देखिए पहले ये ब्लेंड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है। चलिए ब्लेंड करते हैं। नाज़रीन देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो मक्खन है वो ऊपर आ चुका है। दरमियान में से देखिए, ये जो हमने जो मलाई डाले थे उसका थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो उसी से हमने जो है इसका मक्खन तैयार कर चुके हैं। तकरीबन दरमियान में देखिए हमने वो मक्खन तैयार कर लिया। अब इस मक्खन को हम लोग निकाल लेंगे और आपको निकाल के दिखाएंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मज़ेदार सा मक्खन, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला मक्खन जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको पराठों पे लगाएं, जब भी आप साग वगैरह बनाते हैं उस पर लगाएँ और मज़े से खाएँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा मक्खन, के इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी किसी किस्म, क्योंकि ये घर पर तैयार किया हुआ मक्खन है। मैं आपको फिर बताती हूँ कि आप इसमें आपने क्या करना है। सिर्फ आपने जो भी दूध लाना है उसको गर्म करना है, उसकी जो भी बलाई होती है उसको उतार के किसी भी कंटेनर में भर के रख लें, सेव कर लें। ठीक हो गया, जब इसको सेव कर लेते हैं तो क्या करना है, आपने उसी बलाई से मक्खन तैयार करना है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया वैसे ही तैयार करना है। ठीक हो गया, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन, बाकी की जो बलाई है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और उसका भी हम लोग मक्खन निकाल के आपको दिखाते हैं। तो मक्खन तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई उसको पसंद करता है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार सा होता है। इसको जब भी हम खाते हैं हमें बहुत मज़ा आता है इसको खाकर, क्योंकि ये बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला मक्खन होता है। चलिए इसको दोबारा से ब्लेंड करते हैं। नाज़रीन देखिए, हमारा जो मक्खन है वो तैयार हो रहा है। आप ख़ुद देखेंगे कि जितना वो दरमियान में इकट्ठा होता जा रहा है, ये जो हमने क्रीम डाली हुई है, जो भी मलाई से कह रहे, वो जब पानी के साथ मिक्स होगी तो खुद ही जो है वो इस तरह का मक्खन बन के तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है इसकी रंगत, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल घर का बना हुआ होममेड है, इसमें कोई भी किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है होती। तो पानी उस वक्त ऐड करें जब आपका जो वो ब्लेंड ना हो रहा हो, बिल्कुल रुक जाए, तो आप इसको ब्लेंड नहीं करना के लिए पानी ऐड कर दें। तो चलिए अच्छी तरह से इसको भी ब्लेंड करते हैं। Thank you.
पानी उसे स्टेज पे ऐड करते जाएं जहाँ पे आपको लोगों के ये ब्लेंडर जो वो घूम नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा हम लोग मलाई ऐड करते तो वो ब्लेंडर अच्छी तरह से घूम नहीं पाता, जिसकी वजह से देखें इसके ऊपर कुछ भी रखते ताकि ये गंदा ना हो। तो चलिए माशाल्लाह से हमारा जो मक्खन है वो तैयार हो चुका है। सो इसका कलर, इसकी रंगत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। सो ये जो ताज़ा मक्खन होता है इसकी तो मैं क्या कहूँ, इसकी तो लज्जत बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही ज़्यादा। और जब ये कुछ दिनों तक जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं आइस हो जाता है, यानी कि इसमें जो है वो जमा हुआ हो जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं हम ये अच्छी तरह से आइस हो जाता है, तो फिर इसको पराठों पे लगा कर खाएँ और मज़े से खाएँ और लुत्फ़ उठाएँ। सो नाज़रीन हमारा जो मक्खन है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, जो हमने आपको दिखा दिया है। तो बाकी का जो मक्खन है वो भी हम लोग इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सो इसलिए हम लोग, आप लोग मुझे देखिए, हमने जितने भी मलाई निकाली हुई थी सारा का सारा मक्खन हमने जो है वो उसका बना लिया है, उसका सारा मक्खन हमने बना लिया, इसलिए आपको लास्ट तक दिखाया गया कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने सारा की सारी मलाई है उसका मक्खन हमने तैयार किया है, कोई भी इसमें हमने मिलावट नहीं की। सो नाज़रीन अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये कैसी रेसिपीज़ हैं आपको अच्छी लग रही है। तो चलिए बाकी की जो हमारी लास्ट वाली रह गई थी इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं आपके सामने। नाज़रीन देखिए कितनी खूबसूरती से ये अंदर, पहले थोड़ा मसला हो रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इसने अच्छी तरह से इसका मक्खन जो है वो तैयार हो रहा है बिना किसी रुकावट के। तो बाकी का जो मक्खन है वो भी हम इसमें से निकाल लेते हैं। इसलिए हमने आपको सारी वीडियो दिखाई है क्योंकि हमने सारी की सारी जो भलाई जितनी हमने भलाई निकाली थी, क्योंकि आपको तरीका पता चले कि आप ये ना डायरेक्ट सारी भलाई उठाकर जो है वो ब्लेंडर में डाल देंगे तो इस तरह से तो वो इसी तरह से नहीं बन सकेगा, आपके लिए भी मुश्किल होगी। तो आधी आधी करके हमने जो है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करके इसको डाला है और इसको निकाला है। सो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो ताज़ा मक्खन है इसको कभी खा के देखिए कितना खूबसूरत, इतना मज़ेदार होता है कि बंदा कहीं इसको खाते, क्योंकि बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला मक्खन होता है। सो नाज़रीन कैसा लगा आपको हमारी ये रेसिपी, बिल्कुल घर की यूनिक रेसिपी है। हम लोग इसी रेसिपी से, इसी जो मक्खन से, हम आपको इसी मक्खन से देसी घी बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा कि घर का हमने मक्खन दिखाया आपको, अब इसी का हम लोग जो है वो आपको देसी घी बनाना भी सिखाएंगे। सो अगर आपको लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगली वीडियो देसी घी, घर पे देसी घी, बिल्कुल खूबसूरत देसी घी बिल्कुल बनाना सीखिए।